नमस्कार, जो वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि समाचार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शक्ति मंदिर एवं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर देश और प्रदेश के विकास और जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग कर अन्य श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठकर कथा भी सुनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समन्वयक किशोर भट्ट और उनके परिजनों द्वारा शक्ति मंदिर के पुजारी रहे स्वर्गीय मुरालीलाल भट्ट के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष में आयोजित इस कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य डॉक्टर शशांक शेखर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कथा ज्ञान यज्ञ में व्यवसाय पीठ का अभिनंदन करने और साथ में कथा श्रवण करने के उपरांत उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से हमें जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने के लिए प्रेरित करते हैं। बात कर लेते हैं देहरादून से बड़ी खबर का, जहां ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के निजी सचिव से अभद्रता का मामला सामने आया है। जी हां, इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके दो साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा है। गाली गलौच और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर लगा है। इस दौरान निजी सचिव ने एसएसपी अजय सिंह से मामले की शिकायत की है। सचिवालय में हुए हंगामे पर बॉबी पवार का पक्ष भी सामने आया है। इस दौरान मीनाक्षी सुंदरम और स्टाफ के साथ हुए हंगामे पर बॉबी पवार बोले, उन्होंने कहा कि अनिल यादव के सेवा विस्तार पर पूछा था सवाल। इस दौरान मीनाक्षी सुंदरम से एमडी यूपीसीएल के सेवा विस्तार का भी उन्होंने सवाल किया था। भ्रष्टाचार के बावजूद दिया गया सेवा विस्तार, ऐसा बॉबी पवार ने आरोप लगाया। इस दौरान छुपाए जा रहा है सेवा विस्तार का पत्र, तो कई तरह के आरोप जो हैं और कई तरह के सवाल लेकर जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आर मीनाक्षी सुंदरम जो कि ऊर्जा सचिव हैं उनके पास पहुंचे, तो उसके बाद वहां पर खूब ज्यादा हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, हालांकि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है बॉबी पवार वो ज्यादातर सुर्खियों में और हेडलाइंस में बने रहते हैं, हालांकि अब एक और मामला सामने आया है जिसमें ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के निजी सचिव के साथ अभद्रता मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप बॉबी पवार पर लग रहा है, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? देखिए, ये पूरा मामला शासन के घटनाक्रम का है। जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मिलने सचिवालय पहुंचे थे, उनके कक्ष पर जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उसी दौरान कहा सुनी यूपीसीएल के एमडी के सेवा विस्तार को लेकर हुई। ये कह सकते हैं कि बात विवाद बढ़ता चला गया। इस बीच सचिव की तरफ से जो उनके जो निजी सचिव हैं उनको कार्यालय में बुलाने का काम किया गया और बॉबी पवार को बाहर ले जाने के लिए कहा गया, जिस बीच ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा है। और ऊर्जा सचिव के जो निजी सचिव हैं उनकी तरफ से जो पुलिस को अपना शिकायती पत्र दिया गया है उसमें कहा गया है कि बॉबी पवार ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट करने का प्रयास किया है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया है कि सचिवालय से बाहर आने के बाद उनको देखने का काम किया जाएगा, जिससे उन्हें बहुत खतरा महसूस यहाँ पर हो रहा है। और साथ में उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सचिव के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार यहाँ पर किया गया है, और जिस तरीके से अभद्र भाषा हुई है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोकमान्य नहीं कहे जा सकते, सार्वजनिक हिताई नहीं कहा जा सकती है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई। पुलिस ने भी वरिष्ठ निजी सचिव के शिकायती पत्र के आधार पर बॉबी पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम यहाँ पर किया। आईपीसी की जो सुसंगत जो धारा है उन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया गया, जांच करने की बात पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा है, ये पूरा घटनाक्रम यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल यादव उनके सेवा विस्तार से जुड़ा हुआ मामला ये पूरा यहाँ पर रहा है।
नहीं, लेकिन अब है जैसे आपने कहा कि मीनाक्षी सुंदरम से सवाल पूछने बॉबी पवार वहां गए थे, उन्होंने जब यूपीसीएल के एमडी को सेवा विस्तार आखिर क्यों दिया जा रहा है संबंध में सवाल पूछा, तो वहां बवाल छिड़ गया। हालांकि अब इस मामले में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं बॉबी पवार पर, मामला दर्ज हो गया है, लेकिन बॉबी पवार के अगर पक्ष की बात करें तो क्या कुछ उनका कहना, उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बॉबी पवार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में ही यूपीसीएल के जो एमडी हैं अनिल यादव, उनके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए दस्तावेज ऊर्जा सचिव को देने का काम यहां पर किया गया था और मांग की गई थी कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लग रहे हैं उनको सेवा विस्तार न देने का काम यहां पर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। वो ये कहा जा सकता है कि जो अभी तक की जो खबरें आ रही है वो यही है कि यूपीसीएल के एमडी को 2 साल का सेवा विस्तार देने का काम शासन की तरफ से यहाँ पर किया गया है, जिसको लेकर बॉबी पवार आक्रोश था। उन्होंने पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि अक्टूबर माह में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट यहाँ पर की थी और एक शासन के अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण देने का काम यहाँ पर किया जाएगा तो बेरोजगार संघ उनके खिलाफ आंदोलन यहाँ पर करेगा और उनके पास जो दस्तावेज, उन दस्तावेजों को सामने रखने का काम यहाँ पर करेगा। पूर्व में बॉबी पवार की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और यूपीसीएल के जो एमडी है उनके खिलाफ हल्ला भी बोला गया था, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उन आरोपों को जनता के सामने रखने का काम भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही वजह रही कि जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बॉबी पवार ने अपनी बातों को जानने का प्रयास ऊर्जा सचिव से किया और इसी दौरान यह पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा जिसमें कहा सुनी अभद्र भाषा का व्यवहार और निजी सचिव के साथ। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि जब यूपीसीएल के जो एमडी हैं मौजूदा उन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उन्हें प्रशासन की तरफ से संरक्षण दिया जाता है, बकायदा सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है 2 साल का, तो आखिर क्या वजह इस सबके पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? और जब बॉबी पवार जो है वो पहुंचते हैं वहां पर ऊर्जा सचिव से सवाल लेने, जवाब पूछने, तो फिर ये पूरा घटनाक्रम। देखिए, अगर हम दोनों ही व्यक्तियों की बातचीत की अगर हम बात करते हैं तो बॉबी पवार शुरू से ही विवादों में यहाँ पर है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहते हुए इनके जो कार्यक्रम रहे वो कई बार शासन के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बने, चाहे बेरोजगार संघों के ऊपर लाठीचार्ज की बात हो या फिर उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ प्रकरण हो, कई बार शासन और सरकार को दोनों को असहज महसूस यहाँ पर होना पड़ा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम उनके द्वारा जिस प्रकार से विभाग में अधिकारियों को इस समय प्रमोशन देने के काम वहां पर किया जा रहा है तो ये भी बड़ा गहन चिंतन विषय है कि जब सेवा विस्तार की बात यहां पर आ जाए तो फिर ऐसे अधिकारियों को क्यों सेवा विस्तार देने का काम शासन के तरफ से किया जाता है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जब ये कह सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव जो अभी वर्तमान में जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, जब ये अपर सचिव होती थी इनके द्वारा जब एक कमेटी वहां पर यूपीसीएल को लेकर बिठाई गई थी ऊर्जा निगम में, तो उस समय भी जो तत्कालीन जो अधिशासक के पद पर त्रिकुल में रहे हैं उस समय इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप यहाँ पर लगे थे और अभी भी वर्तमान में इनके ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप है वो कम नहीं है, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास अर्जित होने के सबूत तो बॉबी पवार की तरफ से यहाँ पर दिए गए। तो ऐसे में जब भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं तो फिर सवाल जरूर है कि जब यूपीसीएल के एमडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके बावजूद आखिर क्यों जो प्रशासन है उसकी तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, बकायदा सेवा विस्तार भी दिया जा रहा है? वही दूसरी तरफ अगर देखे अब है जिस तरह से इस पूरे मामले पर बॉबी पवार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, मामला दर्ज हो चुका है, बॉबी पवार का भी पक्ष सामने आया है जिसमें वो नकार रहे हैं पूरी तरह से इन आरोपों को। अब सवाल यही कि बॉबी पवार मांग कर रहे हैं कि अगर मारपीट हुई है, मारपीट अगर उन्होंने करी है तो सीसीटीवी कैमरे दिखाए, तो सीसीटीवी कैमरों की क्या गुत्थी है, क्या मिस्ट्री है ये? देखिए, ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो मांग बॉबी पवार की तरफ से की गई है उस मांग को अभी तक कोई पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया, यानी जब पुलिस जांच करेगी तो वो चीजें सामने निकल कर आ पाएंगी। लेकिन अभी पुलिस की जांच ये कह सकते हैं कि सिर्फ शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के लिए, आगे की जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी, जो आयोग होंगे, जो जांच अधिकारी होंगे उनकी तरफ से जांच यहां पर की जाएगी। लेकिन बॉबी पवार साफ तौर पर अपने उन बातों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व में जब शासन के अधिकारी के बताने का काम किया गया था कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण ना दिया जाए, अगर देते हैं तो फिर जन आंदोलन के लिए वो तैयार यहाँ पर है, उनके खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोला जा सकता है, तो फिर आखिर ऐसे में शासन के अधिकारी खामोश क्यों है? भ्रष्टाचार से जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको क्यों नहीं दंडित करने का काम शासन के अधिकारी करते हैं?
और अगर घटनाक्रम उस कमरे में घटा तो फिर जाहिर सी बात है कि सचिवालय के ज्यादातर जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो बाहर की तरफ लगे होते हैं, यानी सचिवालय परिसर के बाहर का जो मैदान होता है या फिर जो दूसरे पार्किंग होती है या दूसरे जो लॉबी होती है गली होती है आने जाने की, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता सचिव के, तो वो सब चीजें देखने वाली बात है। कमरे के अंदर कोई भी तरह का सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता तो ये बॉबी पवार जो है कौन से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांग रहे हैं यहाँ पर, और गुत्थी उलझ कर यहीं पर आ जाती है अब है कि आखिर आरोप में कितनी सत्यता है। और जिस तरह से बॉबी पवार जो है अपना पक्ष रख रहे हैं कि पूरी तरह से जो आरोप है मारपीट के लग रहे हैं, धमकी देने के लग रहे हैं, वो नकार रहे हैं, उन्हें क्या माना जाए, जनता क्या समझे? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि बॉबी पवार जिन सीसीटीवी फुटेज की मांग यहां पर कर रहे हैं वो लॉबी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई है, उनके अभद्र व्यवहार किया गया है, तो फिर उन सब चीजों के कुछ अंश बाहर दरवाजे से बाहर यानी कक्ष से बाहर जो निकलते हुए के जो फुटेज होंगे उनमें देखे जा सकते हैं। अगर धक्का मुक्की कर रहे हैं तो फिर जो निजी सचिव होंगे उनके साथ बातचीत या बहस तीखा जो देखे लॉन्च होंगे उनके कुछ अंश यहाँ पर देखे जा सकते हैं। निकलते समय जो चहलकदमी होगी वो भी देखी जा सकती है। उन चीजों में कुछ नहीं निकल के सामने आ रहा था तो फिर ये जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरा जांच का विषय है। जांच होने के बाद सच्चाई उजागर हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो विषय बॉबी पवार के द्वारा उठाया गया वो शासन के अधिकारियों के लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर भ्रष्टाचार अधिकारी। ठीक है, अब मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गई है। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नमस्कार पाठक जी। हालांकि बॉबी पवार जो है वो ज्यादातर सुर्खियों में रहते हैं, हेडलाइंस पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रशासन शासन पर गंभीर आरोप भी लगाते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये जो पूरा मारपीट का मामला आता है उनका पक्ष इसमें आया है बॉबी पवार का कि वो सिरे से ये आरोप नकार रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि यूपीसीएल के जो एमडी है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके बावजूद उन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है, शासन की तरफ से संरक्षण दिया जाता है, क्या कहिएगा? देखिए बॉबी पवार जी में मुझे लगता है थोड़ा बचपना है। जैसा कि मुझे याद है रिया जी, इससे पहले बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करी थी। उस प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके चैनल के माध्यम से भी काफी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चित हुई थी। उसमें बॉबी पवार जी साफ कहते दिखाई दिए थे कि कोई भी अधिकारी अगर कोई चीजों में गलत पाया जा रहा है या कोई भी अधिकारी पर कोई आरोप लगाया गया है या कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है तो हम उसको घुसकर मारेंगे, तो इस तरीके की वो प्रेस क्लब में ये बातें कहते दिखाई दिए थे। तो ये कहीं का गुंडा राज को स्थापित करना नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड देव भूमि और शांति प्रिय भूमि के नाम से जानी जाती है, ना कि गुंडा राज के नाम से जानी जाती है। और अगर विपक्ष इसको समर्थन करता दिखाई देता है तो वो ये साफ जाहिर करता है कि जो व्यक्ति के मुखिया ये कहते थे जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो मैं आंखें बंद कर लूंगा, उसी विभाग उसी के लोग इस तरीके से अगर बचा रहे हैं तो उस समय बॉबी पवार जी के लिए उनका क्या रुख रहता कि अगर विभाग में सभी खा पी रहे होते, जैसा हरीश रावत जी का बयान सिंह के दौरान सामने आया था, तो जब सब विभाग में खाई पी रहे थे तब तो बॉबी पवार जी को लट्ठे डंडे चढ़ा देने चाहिए थे, गोली उसे उड़ा देना चाहिए था। इस तरीके की फिर इस तरीके की हरकतें गुंडा राज की स्थापित करने वाली बात हो जाती। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये देखा जा सकता है कि देखिए पूरा मामला प्रशासन के पास है, कानून के जी। हालांकि बिल्कुल पाठक जी, मामले में जो है मुकदमा दर्ज हो गया, हालांकि उसके बाद जांच का विषय है कि बॉबी पवार जो है वो पाठक जी, सवाल यहाँ पर ये भी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यूपीसीएल के एमडी है उन्हें सेवा विस्तार दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके बावजूद एक तरफ संरक्षण तो दिया ही जा रहा है साथ में सेवा विस्तार भी, कितनी सत्यता इसमें? बॉबी पवार इज नॉट ए जज, वो कोई जज नहीं है या उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हवा में तो मैं कह दूं कि मैं यहाँ पर ये इतने पैसे रख के बैठी हूँ वो करके बैठी हूँ, ये हवा में तो आप मुझे कुछ भी कह दें, लेकिन बिना एविडेंस के कोई भी चीज नहीं चर्चा में आती है। और दूसरी चीज मैं एक बात और बताना चाहूंगी, इतना भ्रष्टाचार का इनके पास एविडेंस अगर है तो उसके लिए कोर्ट खुला है ना, कोर्ट जाइए, कोर्ट के दरवाजे टिकट आइए। तो पाठक जी, ये रुख भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल के केस में क्यों नहीं होता? अरविंद केजरीवाल के मामले में क्यों बीजेपी सीधे उनको ईडी और सीबीआई ने वो काम किया है जो कि एक सरकारी तंत्र है, सरकारी प्रणाली है। अरविंद केजरीवाल की दारू के उसमें पाए गए हैं, लिप्त पाए गए, तो उस हिसाब से उन पर कार्यवाही हो रही है। तो उसमें भी सरकार ने कार्यवाही नहीं करी है, ये कार्यवाही
एक कानूनी प्रणाली के तहत नहीं, मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रही हूँ। ये कि उसमें बीजेपी का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि अरविंद केजरीवाल चोर है और यहाँ पर चलिए ठीक है। नहीं नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। अगर बीजेपी आरोप लगाती है तो पुष्टि भी करती है उस आरोप की। उसने आरोप तब लगाया जबकि ईडी सीबीआई को उनके खिलाफ चीजें बरामद हुई, बिना किसी चीज के, बिना किसी लिप्तता के, बिना किसी पुष्टि के नहीं आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल के शीश महल के लिए आरोप लगाया गया जो कि प्रामाणिकता के साथ सबको दिखाया गया, आपके चैनल के माध्यम से भी उसको प्रामाणिकता के साथ दिखाया गया। तो आरोप लगाने से पहले हम लोग देखते हैं, हवा में आरोप नहीं लगाते हैं, हमारे पास चीजें होती है तब बताते हैं। ठीक है पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम को समय देने के लिए। अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, 108 इमरजेंसी सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतराल और अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 मिनट जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट का समय तय किया गया है। देखिए कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मिले वहां से और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। वही उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक रसूखदार व्यवसायी की पत्नी को दीपावली पर लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फायरिंग की वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने व्यवसायी की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी अभिमन्यु ढींगरा की पत्नी आंचल ढींगरा का पिस्टल से हवा में फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की तो पता चला कि 31 अक्टूबर दीपावली की रात को आंचल ढींगरा ने लाइसेंसी पिस्टल से गदरपुर थाना क्षेत्र के करतारपुर फार्म हाउस पर हवा से फायरिंग की थी। कोतवाल मनोज रतूड़ी की ओर से आंचल ढींगरा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक कोतवाली सिटी में जो है रुद्रपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक महिला जो है फायरिंग कर रही है लाइसेंसी असले से, उस संबंध में वीडियो वायरल हुआ है, उस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा विवेचना की जा रही है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।